बन से हुए ट्विटर वार के बाद भी काजोल की हाँ इंतजार में है किच्चा सुदीप, कहा मैं कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल, स्वागत है आपका हमारे चैनल बॉलीवुड डॉम पर। कन्नड़ सुपरस्टार किच्चा सुदीप इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म विक्रांत रोना को लेकर खासे बिजी है। इस फिल्म को सुपरस्टार विशाल स्तर पर रिलीज कर रहे हैं। ये उनकी पहली पैन इंडिया रिलीज फिल्म है, जिसकी वजह से कन्नड़ सुपरस्टार किच्चा सुदीप जमकर प्रमोशन भी कर रहे हैं। बीते दिनों ही किच्चा सुदीप और बॉलीवुड स्टार अजय देवगन की हिंदी को राष्ट्रभाषा बताने के मुद्दे पर जमकर बहस हो गई थी। दोनों सितारे इस मुद्दे पर ट्विटर पर ही भिड़ पड़े थे, जिसके बाद में इस मुद्दे में ने काफी तुल पकड़ा और कई राजनेता भी इस लड़ाई में कूद पड़े थे। बाद में दोनों सितारों ने सोशल मीडिया पर ही इस मुद्दे को दबाने की कोशिश करते हुए एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट तक दिया था। इस बड़े बवाल के बावजूद भी किच्चा सुदीप ने हाल ही में एक इंटरव्यू में सुपरस्टार अजय देवगन की पत्नी और दिग्गज अदाकारा काजोल के साथ में काम करने की इच्छा जताई है। किच्चा सुदीप ने इस बात का भी दुख जताया है कि अजय देवगन के साथ में हुई ट्विटर पर बहस की वजह से उनके काजोल के साथ में काम करने की उम्मीद काफ़ी कम हो चुकी है, मगर फिर भी वो अपनी ओर से इस उम्मीद को छोड़ना नहीं चाहते हैं। किच्चा सुदीप ने कहा, मेरा एक ख्वाब है कि मैं काजोल मैम के साथ में काम कर सकूँ। मुझे लगता है कि ये उम्मीद इसी बहस के साथ में धराशाही हो गई है। मुझे नहीं पता कि अब ये कभी हो पाएगा या नहीं, लेकिन मैं काजोल के साथ में काम करने की उम्मीद आखिरी दम तक नहीं छोड़ूंगा। ये मेरे दिमाग में बिल्कुल तय है। ये पहली बार नहीं है जब किच्चा सुदीप ने अदाकारा काजोल के लिए अपना प्यार जाहिर किया हो। इससे पहले भी फिल्म स्टार किच्चा सुदीप ने एक इंटरव्यू में अदाकारा काजोल के लिए अपने जज्बात शेयर किए थे। फिल्म स्टार किच्चा सुदीप ने कहा था कि एक वक्त उनका काजोल पर बहुत क्रश था। बाद में उन्होंने अजय देवगन से शादी रचा ली, जिसकी वजह से वह अजय देवगन से नफरत करने लगे थे। उन्होंने बताया कि उस वक्त उनके घर में काजोल की तस्वीरें और पोस्टर लगे हुआ करते थे। तो दोस्तों, आपकी जो भी हो रहा है, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।